अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हेक्साएमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनर ऑर्बिटल होता है, जबकि हेक्साएमीन निकल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा क्यों है? तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की। कोबाल्ट का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2 4p0। बट इस केस में क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट में है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 4p0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लस 3 स्टेट में कोबाल्ट के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे 2 3d के ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल और 3 4p के ऑर्बिटल। चलिए अब दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। निकिल का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d8 4s2 4p0। बट क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में निकिल प्लस 2 स्टेट में है, इसलिए निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d8 4s0 4p0। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी पेयरिंग नहीं हुई है, और जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल हैं वो है 4s का एक ऑर्बिटल, 3 4p ऑर्बिटल्स और 2 4d ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होना चाहिए।